మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. ఓకే దోస్తో, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ వైభవ్ అడ్వాన్స్ లర్నింగ్. హమారే ఇస్ ఛానల్ మే ఆప్కా స్వాగత్ హై. హమ్ ఆజ్ కే ఇస్ వీడియో మే पैरेलल कनेक्टेड फिलामेंट लैंप के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उसमें हम ये जानेंगे कि कौन सा लैंप कब मोर ब्राइटनेस होगा, कम कब लेस ब्राइटनेस होगा. ठीक है, उसके कंडीशन को हम स्टडी करेंगे. पहले हम इसको बांट दिए हैं दो कंडीशन में. फर्स्ट कंडीशन है आपका व्हेन वोल्टेज रेटिंग इज इक्वल. जब जो फिलामेंट लैंप आपको दिया गया है, जब उसका वोल्टेज रेटिंग इक्वल होगा तब कौन सा ब्राइटनेस किसका ज़्यादा होगा, और जब डिफरेंट होगा तब ब्राइटनेस किसका ज़्यादा होगा. ठीक है ना, इस बात को हम जानें और समझें. देखिए, यहाँ जब वोल्टेज इक्वल है, वोल्टेज रेटिंग इक्वल है, तो हम यहाँ वही फार्मूला यूज करेंगे, पी बराबर वी स्क्वायर अपन आर. अगर वी कॉन्स्टेंट है तो पी प्रोपोर्शनल टू वन अपन आर हो जाएगा. ठीक है, तो जब यहाँ पावर रेटिंग बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस आर क्या होगा, घटेगा. जब रेसिस्टेंस आर घटेगा तो उसमें करंट की वैल्यू आई क्या होगी, बढ़ेगी. करंट की वैल्यू जब बढ़ेगी तो आई स्क्वायर आर यानी कि पावर लॉस उसमें बढ़ेगा. पावर लॉस उसमें बढ़ेगा तो ब्राइटनेस भी उसमें बढ़ेगी. ठीक है ना, यहाँ देखिए, इस दो फिलामेंट लैंप आपके सामने रखा गया है. इसमें आप देखिए, जिसका वाट ज़्यादा है, इसका वाट ज़्यादा है ना, 240 वाट है, ये 60 वाट है. इसका वाट ज़्यादा होने से इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा. इसके कंपेरिजन में जब इसका रेसिस्टेंस कम होगा तो इसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगी. ठीक है, ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच का रेसिस्टेंस क्या है, कम है. रेसिस्टेंस कम होने से इसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगी. इसमें करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसमें आई स्क्वायर आर क्या होगा, लॉसेस ज़्यादा होगा. ठीक है, जब आई स्क्वायर आर इसमें लॉस ज़्यादा होगा तो इसका ब्राइटनेस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा. इसमें क्या होता है, पी और बी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं. यानी कि अगर पैरेलल में फिलामेंट लैंप कनेक्टेड हैं, जिसका पावर ज़्यादा होता है वो मोर ब्राइटनेस उसका होता है. ठीक है, उसका ब्राइटनेस भी ज़्यादा होता है. जिसका पावर कम होता है उसका ब्राइटनेस भी कम होता है, इन द कंडीशन ऑफ व्हेन वोल्टेज रेटिंग इज इक्वल. ठीक है, किस कंडीशन में ये होता है, जब ये वोल्टेज रेटिंग क्या हो, इक्वल हो, तब ऐसा कंडीशन में ये आपका इजीली आप पुट कर सकते हैं. कुछ भी दे दे, मान लीजिए यहाँ 240 वोल्ट दे दे, यहाँ 100 वाट दे दे, यहाँ 60 वाट दे दे, तो कौन सा फिलामेंट लैंप तेज जलेगा, तो 100 वाट वाला ज़्यादा तेज जलेगा. अब बहुत इजीली यू कैन आंसर आप दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, आप बहुत ईजिली इसका आंसर कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन का. अब यहाँ देखिए, वोल्टेज रेटिंग इज़ डिफरेंट. अब यहाँ वोल्टेज रेटिंग क्या हो गया, डिफरेंट हो गया. जहाँ वोल्टेज रेटिंग डिफरेंट हुआ वहाँ हम क्या निकालेंगे, दोनों फिलामेंट लैंप का रेसिस्टेंस हम निकालेंगे. सबसे पहला काम, फर्स्ट वर्क क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बोथ फिलामेंट लैंप. हमें इन दोनों फिलामेंट लैंप का क्या करना पड़ेगा, रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा. तो R1 का रेसिस्टेंस हम निकालेंगे कैसे, वी स्क्वायर अपन पी के फार्मूला से. तो वी कितना है, 120, अब पी कितना है, 60, कितना आया, 240 ओम. इसका रेसिस्टेंस कितना है बेटा, 240 ओम. अब हम इसी तरह से R2 निकाल लेंगे वी स्क्वायर अपन पी वाले फार्मूले से. इसके लिए वी स्क्वायर कितना होगा, 240 इंटू 240 अपन 480. ये कट गया, कितना आया, 120 ओम. तो यहाँ किसका रेसिस्टेंस कितना आया, 120 ओम. ठीक है ना, तो अब आप देखिए, जो वोल्टेज यहाँ भी अप्लाई करेंगे वही वोल्टेज यहाँ भी अप्लाई होगा, वही वोल्टेज यहाँ भी अप्लाई होगा. अगर हम इसके पावर लॉस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपका पी वन आपका क्या होगा, यहाँ पे देखिए R1 R2 का मान निकल गया, तो P1 आपका क्या होगा, वी स्क्वायर अपन R1. तो वी आपका जो भी हो, R1 आपको कितना निकला, 240. आपका P2 कितना होगा, वी स्क्वायर अपन R2 कितना है, 120. अब बताइए इसमें कौन सा मान ज़्यादा होगा, 240 वाला कि 120 वाला. 120 वाला मान ज़्यादा होगा. क्यों, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है उसका रिजल्टेंट कम आता है. ठीक है, इसको प्रूफ करके दिखा देते हैं आपको. यहाँ मान लीजिए 4/8 हो और कहीं 4/16 हो, तो अब देखिए किसका मान ज़्यादा होगा, ये
3/2, ये आपका 0.5 आ गया, आई 1/4 ये 0.25 आ जाएगा। तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है कि नहीं बड़ा है, यानी कि 4/8 है। जो नीचे वैल्यू कम होगी वो मान क्या होता है, बड़ा होता है। यानी कि आपका P2 क्या होगा, इसमें आपका होगा क्या, P2 इज ग्रेटर देन P1। इसका मतलब P2 यानी कि ये दूसरा वाला, ये आपका क्या है P1 है, इसका पावर क्या है P2 है, ठीक है। तो अब देखिए, ये आपका P1 है 240 ओम वाला और 120 ओम वाला क्या है P2 है, तो इसमें इसका पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा P2 का, किसके कंपैरिजन में, P1 के कंपैरिजन में। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं जब P2 में पावर लॉस ज़्यादा होगा तो ये बल्ब आपका क्या होगा, मोर ब्राइटनेस होगा इस बल्ब का, ठीक है ना। हमको जहाँ तक उम्मीद है आपको अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा कि हमें जब डिफरेंट रेटिंग के दो फिलामेंट लैंप दिए जाएंगे तो हमें उनका फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसका क्या निकालना होगा, रेसिस्टेंस निकालना होगा, और फिर हमें उनका पावर निकालना होगा। और आप देखेंगे कि जिनका डिनोमिनेटर कम होगा वो पावर अधिक होगा, जिनका ज़्यादा होगा वो पावर क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब इसमें जो है ज़्यादा पावर लॉस हो रहा है, इसलिए ये जो है फिलामेंट लैंप क्या हो जाएगा, तेज, मोर ब्राइटनेस होगा इन कंपेरिजन टू पी वन के, मतलब फर्स्ट बल्ब के, ठीक है। तो इस प्रकार आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट अगर दे दिया है तो आप इसी तरह से कैलकुलेट करके आप बताएंगे कि कौन सा किसका ब्राइटनेस ज़्यादा होगा। आप डायरेक्ट इस वाट को देख करके नहीं बता सकते कि किसका वाट ज़्यादा हो, किसका ब्राइटनेस ज़्यादा होगा या किसका ब्राइटनेस कम होगा, ठीक है। तो नोट डाउन करिए इसको, हम रिमूव करने जा रहे हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल पावर कंज्यूम्ड इन पैरेलल कनेक्टेड फिलामेंट लैम्प। वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल पावर इन पैरेलल कनेक्टेड फिलामेंट लैम्प। द इमेज ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम हैज बीन गिवन बिफोर यू। वी हैव टू डिटरमाइन द टोटल पावर इन पैरेलल कनेक्टेड फिलामेंट लैम्प। हियर यहाँ देखिए, पे अटेंशन टू हियर, दो फिलामेंट लैम्प यहाँ पे आपके सामने दिए गए हैं, या दोनों फिलामेंट लैम्प किस में कनेक्ट हैं, पैरेलल में कनेक्ट हैं, इनका टोटल पावर आपको निकालना है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका टोटल पावर का फार्मूला होता है PT = P1 + P2, ये सभी लोग याद कर लिए हैं। लेकिन यहाँ इसका वेरिफिकेशन देखिए, ये कंडीशन तभी फुलफिल होगा जब इसका और इसका पावर सेम, वोल्टेज भी सेम होगा, सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा, तभी ये कंडीशन क्या होगा, फुलफिल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज हमको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग पावर निकाल करके उसका टोटल पावर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए PT = P1 + P2 कैसे आया, इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, आप इसका अगर टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, R1 है, R2 है, पावर P1 है, P2 है, अगर टोटल रेसिस्टेंस RT अगर आप निकालें तो क्या होगा, 1/R1 + 1/R2। ये तो बिल्कुल ईजी है, ये तो आप जानते ही हैं, ये दो पैरेलल आपस में, दो रेसिस्टेंस आपस में पैरेलल कनेक्ट हों तो टोटल रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है, 1/R1 + 1/R2 होता है। अगर हम टोटल पावर पी की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, V² / RT टोटल रेसिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, देखिए सोच के बताइए। अगर टोटल पावर की अगर हम बात करें तो वोल्टेज अपान टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ठीक है, टोटल पावर हो जाएगा ये। अब यहाँ V² हो गया, RT की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, 1/RT की वैल्यू 1/R1 + 1/R2। अब V1 को हम उधर जब भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, V² R1 + V² R2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 + P2, यानी कि जो टोटल पावर होगा वो क्या होगा, P1 + P2 होगा, ठीक है ना। इस प्रकार आपको कह दें कि सेम वोल्टेज डिजाइन का, अगर मान लीजिए 100 वोल्ट के डिजाइन, यहाँ मान लीजिए 100 वोल्ट 60 वाट, यहाँ मान लीजिए 100 वोल्ट 120 वाट, इस तरह से अगर दो फिलामेंट लैम्प दे दें, पैरेलली कनेक्ट होते हैं, पूछा टोटल पावर कितना होगा, तो बहुत आसानी से आप इनको ऐड कर लेंगे, कितना होगा टोटल पावर, 180 वाट, ऐसा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और इस पर आधारित अब हम क्वेश्चन लिख देते हैं, उसके बाद आप उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम 2 मिनट के लिए हट जाते हैं। तो देखिए, आपके का सामने क्वेश्चन, दो तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, सीरीज और पैरेलल दोनों से तरह के क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं, यहाँ हम आपसे सॉल्व करवाएंगे। कह रहा है
टू हीटर्स रेटेड एट 1000 वाट 250 वोल्ट ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी मेंस, टोटल पावर ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई वुड बी, टोटल पावर क्या होगा? दो कैसे कनेक्टेड है पैरेलल में, देखिए दो हीटर कैसे कनेक्टेड हैं आपके आपस में, दो हीटर जो है पैरेलल कनेक्टेड हैं, इनका रेटेड कितना है, ये भी 1 किलोवाट 250 वोल्ट का है, ये भी 1 किलोवाट 250 वोल्ट का है, और इनपुट जो सप्लाई है ये फ्रॉम द सप्लाई, यहाँ पे देखिए हाँ पैरेलल अक्रॉस 250 वोल्ट, जो सप्लाई वोल्टेज है वो भी कितना है 250 वोल्ट है। तो ये और ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं ना, तो हम पैरेलल वाला सीधा फार्मूला लगा देंगे, PT बराबर P1 प्लस P2, यानी कि 1 किलोवाट आप प्लस 1 किलोवाट कितना हुआ 2 किलोवाट, यानी कि 2000 वाट ईजिली फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अगर यही सीरीज में हो गया, मान लीजिए इसी को हम कह दें कि ये जो है किस में हो गया, ये सीरीज में, अगर ये हो गया किस में हो गया, ये सीरीज में हो गया, तब इसमें कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको लगाना है। ठीक है, अगर इसको सीरीज में कर दिया जाए तब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको लगाना है। ठीक है, लगाकर आप हमें बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है टू फिलामेंट लैम्प बल्ब्स ऑफ 40 वाट एंड 60 वाट रेटिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द मेंस देन। देखिए ये प्रश्न बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये इसमें 40 वाट और 60 वाट तो दे दिया है, देखिए यहाँ पे क्या क्या दे दिया हुआ है, 40 वाट और 60 वाट, ये दो चीज़ दे दिया हुआ है। ठीक है ना, और ये कह रहा है देखिए कंज्यूम, सबसे पहली बात यह, जब वोल्टेज हमको मालूम ही नहीं है तो हम कैसे जान जाएंगे कितना पावर ये कंज्यूम करेगा, वोल्टेज दिया ही नहीं है। तो अगर जो कंज्यूम वाले जो इतने ऑप्शन हैं ये गलत हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी, कंज्यूम हो ही नहीं सकता। अब हमारे सामने दो ऑप्शन हैं, अब हमें ये बताना 40 वाट वाला ब्राइटर होगा कि 60 वाट वाला ब्राइटर होगा कि 40 वाट वाला ब्राइटर होगा। तो यहाँ आप समझिए, ठीक है, 60 वाट वाला ब्राइटर हो सकता है या 40 वाट वाला ब्राइटर हो सकता है, अगर मान लीजिए वोल्टेज जो है डिफरेंट अगर हो तो हम कैसे जानेंगे वोल्टेज सेम है कि डिफरेंट है। अगर हम थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कि वोल्टेज डिफरेंट है, ठीक है, मान लेते हैं कि दोनों का वोल्टेज क्या है डिफरेंट है, जब हमें उसकी वैल्यू मालूम ही नहीं है तो हम रेसिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, जब रेसिस्टेंस ही हमको नहीं मिलेगा तो हम पावर लॉस कैसे फाइंड आउट करेंगे बताइए। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का वोल्टेज रेटिंग क्या है सेम है, डिफरेंट होने पर सवाल बन ही नहीं पाएगा। इसका मतलब कि दोनों का वोल्टेज रेटिंग क्या है सेम है, और जब वोल्टेज रेटिंग सेम होती है सीरीज में फिलामेंट लैंप कनेक्टेड होते हैं तो हम बताए थे तरीका, जो कम वाट वाला होता है वही मोर ब्राइटर होता है, इसका मतलब डी ऑप्शन आपका क्या होगा सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और आपको हम देते हैं, फिर ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ देखिए बच्चों, ये दो तीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया है इसलिए मैं इसको आपके सामने रखा हुआ हूँ, आप इसको ध्यान से समझिए। पहला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प्स विल हैव लीस्ट रेसिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर, ये आपको दे दिया गया ABCD। अब कहा जाए किसका रेसिस्टेंस सबसे कम होगा एट ए रूम टेम्परेचर, अगर सॉल्व करने लगेंगे B²P के फार्मूला से हमको लगता है कि एक ही क्वेश्चन में आपको 2 से 3 मिनट लग जाएंगे, तो फिर अगला आप कैसे सॉल्व करेंगे। आप केवल ऑप्शन देख करके ही बता सकते हैं कि किसका रेसिस्टेंस लो होगा, कैसे देख रहे हैं, सबका वोल्टेज रेटिंग क्या है सेम है, सबका वोल्टेज रेटिंग क्या है सेम है। जब वोल्टेज रेटिंग सेम होती है तो उसके लिए हमने फार्मूला बताया था कि जिसका वाट ज़्यादा होता है, मतलब जो रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू 1/P, क्या फार्मूला होता है इसका R प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि P बराबर होता है V²R, अगर ये वोल्टेज अगर कांस्टेंट हो गया P प्रोपोर्शनल टू 1/R या R प्रोपोर्शनल टू 1/P, तो जिसका पावर रेटिंग ज़्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस क्या होगा उतना ही कम होगा। तो किसका पावर रेटिंग सबसे ज़्यादा है, इसी का 200 वाट का, इसलिए इसी का रेसिस्टेंस इन कंपेरिजन टू सबसे कम होगा, इसीलिए ऑप्शन ये क्या होगा सही हो जाएगा।
ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, बहुत ही ईजी वे में इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर नीचे क्वेश्चन दे रहा है, व्हिच रेसिस्टर विल बी फिजिकली लार्जर इन साइज। इसमें ये बता रहा है फिजिकली लार्जर, मतलब इस तरह से बड़ा मोटा। इसमें ये बता रहा है कि कौन सा इसमें वायर अत्यधिक मोटा है, ये हमें बताना है। तो R बराबर आप क्या फार्मूला पढ़े हैं, R बराबर रो एल बाई ए। तो जिसका रेसिस्टेंस जितना ही कम होगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा, वो उतना ही मोटा होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर एक क्या होगा, सही होगा, 10 ओम। ठीक है ना, 10 ओम ये इसका रेसिस्टेंस सबसे कम है, रेसिस्टेंस कम होने से इसका एरिया क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। इस तरह से बहुत ईजी सिंपल फार्मूला का यूज करके आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए लैंप ऑफ 100 वाट एट 200 वोल्ट इज सप्लाइड करेंट एट 100 वोल्ट इट विल बी इक्विवेलेंट टू द लैंप ऑफ। मतलब ये कह रहा है कि इनपुट पावर कितना पावर ड्रान कर रहा है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये बल्ब जो है लगे हुए हैं सीरीज एसी में, जैसे मान लीजिए ये बल्ब जो है यहाँ पे लगा हुआ है, आपका इनपुट पावर कितना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इनपुट कितना है 100 वोल्ट, यानी सप्लाई दिया जा रहा है 100 वोल्ट। ठीक है, तो ये बता रहा है कि ये जो फिलामेंट लैंप है इसका मतलब ये हुआ कितना पावर ड्रान होगा इसमें, मतलब ये टोटल जो सप्लाई होगी वो कितने लैंप के पावर के इक्वल होगी। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कितना पावर ड्रान होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ 100 वाट 200 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 100 वाट और 200 वोल्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें इसको थोड़ा सा रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे आसानी से। देखिए यहाँ पे पहले हम उसका रेसिस्टेंस निकाल लेंगे, फिलामेंट का क्या निकाल लेंगे, रेसिस्टेंस। तो क्या होगा, 200 × 200/100, ये कट जाएगा, कितना होगा 400 ओम आ गया। यानी कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस हो गया 400 ओम का और यहाँ सप्लाई हो गई कितनी 100 वोल्ट की। तो अब बताइए ये कितना पावर ड्रॉन करेगा, ये रेसिस्टेंस यहाँ से कितना पावर खींचेगा। ये पावर का फार्मूला क्या होता है, V² / R, कितने पावर के इक्विवेलेंट होगा, ऐसे ही कर सकते हैं। तो 100 × 100/400 ये कटा, फिर ये 25, तो आप क्या लिख देंगे 25 वाट के। ठीक है ना, तो इस तरह से 25 वाट आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन और हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, उनको उस क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे, इसलिए उन प्रश्नों को भी जानने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। बस इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।